सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू KGN मोबाइल्स। दोस्तों आज हम लोग ब्लैक पेस्टेड MMC या ऐसी आप बोल सकते हैं, ये वीवो का ब्लैक पेस्टेड MMC है जिसको हम निकालने का तरीका देखेंगे। इसमें हीट कितना रखना है, एयर कितना रखना है और कैसे उसका साइड का ग्लू को कट करना। ये ब्लैक पेस्टेड हार्ड ग्लू है तो इसको आसानी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका तरीका देखेंगे। ग्लू को कट करते टाइम पे हम लोग को हीट रखना है 310 और एयर रखना है 30। और ग्लू निकालते हुए जब हम लोग उसको कट करेंगे तो आजू बाजू के जो कंपोनेंट है उसको ध्यान से मतलब कट करना है ग्लू को, ताकि कोई कंपोनेंट वहाँ से निकल ना जाए। आहिस्ते आहिस्ते से हम लोग को उसको कट करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें देखो एक कंपोनेंट हिल गया है, तो उसको बराबर से उसकी जगह पे वापस से पेस्ट कर देना है, या उसको अगर आप बाजू में निकाल के रख लें तो बाद में उसको वापस उसकी जगह पे आप फिक्स कर सके। धीरे धीरे करके हम लोग को उसका ग्लू कट करना है साइड से, जो उसकी चारों साइड है चारों साइड से उसका ग्लू कट करना है। जब हम IC उठाएंगे, IC उठाने के टाइम पे हम लोग को उसका एयर 30 रखना है। ये सब इस बात पे डिपेंड होता है कि आप कितनी जल्दी उस IC को उठा सकते हैं, और हीट जो है वो जब IC हम लोग उठाते हैं उस टाइम पे उसका हीट जो है वो 340-350 पे रखना है। एयर आपको सेम 30 ही रखना है। और ये बात का ध्यान रखना है शुरुआत में हम लोग को कि उसके आजू बाजू के जो कंपोनेंट है वो हिले नहीं, इसके लिए उसका प्रोटेक्शन हम लोग को लगा देना है। ये जो हीट सिंक टेप है इससे हम लोग को उसके आजू बाजू की जो जगह है उसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद में जब हम उसका ग्लू कट करेंगे या जब हम लोग IC उठाएंगे तो या तो उसके CPU को ज़्यादा हीट लग सकती है, इसके लिए CPU को भी कवर कर लेना है हम लोग को। और एक जगह बना लेना है हम लोग को, जब हम IC उठाएंगे तो हम लोग एक पोजीशन डिसाइड करनी है कि किस जगह से हम लोग अपना जो स्क्रैपर है उसको IC के नीचे हम लोग डाल सके। जैसे कि यहाँ पे इसके एक साइड की जगह है, यहाँ पे से हम लोग इसके IC के नीचे स्क्रैपर को डालेंगे, IC को उठा लेंगे। ये देखो IC बहुत ही आसानी से निकल गई है। ये जो साइड का जो ग्रीन मास है वो जो निकल गया है उसका इतना टेंशन नहीं है, मोस्ट ऑफ वीवो और ओप्पो के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग डिसोल्डर वायर से, मैं जो यूज़ करता हूँ वो गुडविक की डिसोल्डर वायर है, उससे हम लोग उसका जो IC के नीचे के जो पैड्स है उसको क्लीन कर लेंगे, उसको एक सा एक लाइन में हम लोग एक जैसा कर लेंगे। उसके बाद में 310 की हीट पे और एयर सेम 30 रखना है। उसके ऊपर वैसे रख रख के हम लोग को जो मदरबोर्ड के ऊपर जो ब्लैक पेस्ट है, जो ग्लू है ब्लैक, उसको हम लोग को क्लीन करना है। क्लीन करते टाइम पे हम लोग को ध्यान देना है कि कोई उसकी जो मदरबोर्ड पे जो पैड है वो ख़राब ना हो। इसके लिए बहुत ही आराम से हम लोग को इसको साफ़ करना है। जब तक कि आप प्रैक्टिस करते करते आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए तब तक कि आपको एकदम आराम से उसको क्लीन करना है, उसके ग्लू को निकालना है।
बहुत ही आराम से पेशेंस से आपको ये काम करना है, और हम लोग को ध्यान रखना है कि उसकी कोई लाइन या कोई पैड डैमेज ना हो। इसके लिए एकदम आसानी से आराम से उसको हम लोग क्लीन करेंगे, उसका ग्लू साफ करेंगे। आईसी निकालने में सबसे मेन चीज़ जो होता है वो आपका हीट और एयर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा हीट आपने कर दिया, ज़्यादा हीट सेट किया और आपने आईसी निकाल लिया, तो आईसी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आईसी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अपना जो काम है वो ख़राब हो जाता है। इसके लिए एयर और हीट के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू।